ECAT Mathematics F.Sc Part 2 Chapter Number 1 जो कि Functions and Limits का है, इसमें आज हम जिन दो टॉपिक्स को डिस्कवर करेंगे, उसमें पहला टॉपिक है Concept of Limit of a Function और दूसरा है जी Some Fundamental Theorems on Limit of Different Functions. अब इनसे related जो हमारे पास MCQ हैं, questions हैं, वो हम समझेंगे और इन concepts को और बेहतर बनाते हैं. फर्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जी. इसकी स्टेटमेंट है कि फॉर अ फंक्शन इफ राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू. यानी अगर एक फंक्शन के लिए उस पर हम लिमिट लगाते हैं और उसके अगर फर्ज करें एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि 2x है और इसमें मैं लिमिट लगाता हूँ कि एक्स अप्रोच करे जीरो को. अब क्या मतलब जीरो के लेफ्ट साइड से अगर हम जीरो की तरफ अप्रोच करें या राइट साइड से जीरो की तरफ अप्रोच करें, दोनों तरफ से हमारा आंसर एक जैसा है तो इसका क्या मतलब होगा. ठीक है, क्या फंक्शन कंटिन्यूस है, क्या इट्स लिमिट एग्जिस्ट या फंक्शन इज डिफाइंड या फिर ये दोनों ऑप्शन बी और सी. तो देखें यहाँ पर जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो ये फंक्शन जो है ये जीरो पे चूंकि वैल्यू जीरो दे रहा है तो इसका आंसर जीरो आएगा. ठीक है, यानी इसकी लिमिट ऑफ द फंक्शन जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल हो जाएगी और इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होंगी, सेम वैल्यू दे रही होंगी. तो इसका मतलब कि हम ये कहेंगे कि जो ऑप्शन बी है कि इट्स लिमिट एग्जिस्ट, एक तो ये है कि वो एक डिफाइंड नंबर आ रहा है और दूसरा कि फंक्शन भी डिफाइंड हो रहा है इसके ऊपर. ये नहीं कि आप अनडिफाइंड कर रहे हो फंक्शन को कि जीरो लिखने से ये एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बन रही, जीरो ओवर जीरो फॉर्म नहीं बन रही, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बन रही. इसका मतलब फिर बहुत जो बी एंड सी ऑप्शन वाला ऑप्शन मतलब डी ऑप्शन जो होगा हमारा वो यहाँ पे फिर बेस्ट ऑप्शन होगा और हम इसे मार्क कर देंगे. नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जी. इसकी स्टेटमेंट इस तरह से है कि अगर लिमिट जो है वो एक्स अप्रोच टू जीरो हो, यानी जो हमारे पास नंबर है वो जीरो की तरफ अप्रोच कर रहे हो, ठीक है, जो वेरिएबल है और इसमें जो फंक्शन डिफाइंड हुआ है वो कुछ इस तरह से कि स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस एक्स और माइनस 7 डिवाइडेड बाई एक्स है, तो इसकी जो लिमिट ऑफ द फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या हो. ठीक है, यानी यहाँ पर भी वही बात कि आप देखें कि फंक्शन क्या डिफाइंड हो रहा है इसके ऊपर. अगर डिफाइंड नहीं हो रहा तो आप इसे पहले डिफाइंड बनाएंगे फिर लिमिट अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस टाइम ये अगर जीरो इनपुट करते हैं तो ये जीरो प्लस 49 का अंडर रूट 7 होता है, 7 माइनस 7 जीरो ओवर जीरो फॉर्म बन गई. इसका मतलब मैं लिमिट अप्लाई नहीं कर सकता. ठीक है, मैं यहाँ पर इस पर लिमिट नहीं अप्लाई कर सकता. इसके लिए मुझे यहाँ पर रैशनलाइजेशन करनी होगी. यानी अगर ये एक सर्ड हो, बायनोमियल सर्ड हो, तो इसका कंजुगेट जो होगा वो स्क्वायर रूट 49 प्लस एक्स प्लस 7 होगा. ठीक है, मुझे इसी से इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई भी करना होगा और इसी से इस एक्सप्रेशन को डिवाइड भी करना होगा. ठीक है, इस तरह से कि ताकि इसका जो वो फैक्टर जो कि इसे इसकी लिमिट को अप्लाई नहीं करने दे रहा वो अप्लाई कर सकें. ठीक है, इसलिए तो यहाँ पे जब हम इसे रैशनलाइजेशन करेंगे इसकी, यानी इन ऑप्शंस में से अगर हम रिवर्स इंजीनियरिंग को भी अप्लाई करें तो हम देख रहे हैं कि जीरो नहीं बन सकता आंसर, क्योंकि आप खुद देखें कि जीरो उस सूरत में बन सकता है जब ये एक्स बिल्कुल ना हो और ये एक्स भी ना हो. ठीक है, जबकि अंडर रूट में इसकी इन्वॉल्वमेंट है तो फिर लिमिट जब हम अप्लाई करें जीरो की तरफ तो ये मतलब हमारा आंसर जो है वो जीरो नहीं आ सकता इस क्वेश्चन का. ठीक है, हाँ, अभी इस केस में आप देख सकते हैं कि जब ये a प्लस बी और a माइनस बी आपस में मल्टीप्लाई होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है. यानी हमारे पास जो सम ऑफ द टर्म सेम टर्म सम ऑफ द टर्म और प्रोडक्ट ऑफ द टर्म का फार्मूला है. ठीक है, जब टू हमारे पास टर्म हो, बायनोमियल्स हो, तो उसमें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर बन जाता है मल्टीप्लीकेशन के बाद. और डिविजन में एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस एक्स और प्लस 7 आएगा. ठीक है, अब देखें यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर रूट को खत्म कर देगा, 49 प्लस एक्स आ जाएगा और 49 प्लस एक्स एज इट इज और ये जो माइनस 7 स्क्वायर होता है ये 49 के इक्वल है, जबकि डिवाइडेड बाय एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस एक्स और प्लस 7 है. ठीक है, अब 49 एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सिस में 0 आ जाएगा, 0x में ऐड होके x आ जाएगा, यानी x डिवाइडेड बाय और साथ में लिमिट भी आ रही है यहाँ पर लिमिट x अप्रोच टू जीरो. इसी तरह यहाँ भी थी लिमिट x अप्रोच टू जीरो, ये मैं लिख देता हूँ. ठीक है, ये लिमिट है जी x अप्रोच टू जीरो.
इसी तरह यहाँ भी लिमिट आएगी x अप्रोच टू 0, तो इसे भी हम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ भी हमारे पास लिखा हुआ आएगा, तो ये इस तरह से लिमिट x अप्रोच टू 0, यहाँ पे x ओवर x और इनटू 49 प्लस x प्लस 7 है, ठीक है। अब ये x एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेज हैं जो के कैंसिल हो जाएंगे। अब लिमिट जो है उसके ऊपर जो फंडामेंटल थ्योरम्स हैं लिमिट्स के, वो ये होते हैं कि कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट ही होती है, जबकि जो अगर न्यूमिरेटर में एक्सप्रेशन है उसकी लिमिट अलग कर ली जाएगी डिनोमिनेटर की अलग, और फिर हर हर टर्म के ऊपर लिमिट अलग अलग अप्लाई होगी, यानी 14 अंडर रूट 49 प्लस एक्स पे अलग होगी, 7 का लिमिट का आंसर 7 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 49 प्लस 0 यानी अंडर रूट 49 आएगा प्लस 7, और यहाँ पे 49 का अंडर रूट होता है 7, तो 7 प्लस 7 14, हमारा आंसर आ रहा है 1/14 जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है, ठीक है। तो इस लिहाज से फिर हम कहेंगे कि बी ऑप्शन ही हमारा बेस्ट ऑप्शन है, यानी जैसे मैं पहले बताया था रिवर्स इंजीनियरिंग के हिसाब से सी भी ऑप्शन नहीं बन रहा था, डी भी नहीं बन रहा था, क्योंकि हम अगर खुद भी सोचें इस बात को बगैर कैलकुलेट किए कि क्या आया ये जवाब हो सकते हैं, तो हमें नज़र आ रहा है कि नेगेटिव 6 तो इम्पॉसिबल है, ठीक है, और इन्फिनिटी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1/0 फॉर्म नहीं बन रही, ठीक है, या मतलब अनडिफाइंड हम इसको नहीं कह सक रहे थे, ठीक है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनी 0/0 जो कि हमने इसको सिंप्लीफाई करके हमने इसको एक मतलब उसको फॉर्म 0/0 फॉर्म खत्म की और लिमिट अप्लाई की, उसका आंसर 1/14 आ गया। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जी, इसकी स्टेटमेंट में इस तरह से लिखा हुआ है कि एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, जबकि एक्सप्रेशन में एक्स की इन्वॉल्वमेंट फर्स्ट टर्म में भी, यानी एक्स पावर 5 है, 3x क्यूब है, 9x स्क्वायर है, 7x है, प्लस 8 है, डिवाइडेड बाय 2x पावर 6 है, 17x पावर 4 है, प्लस 3x स्क्वायर है और प्लस 5 है। अब देखिए अगर हम लिमिट अप्लाई भी कर लें तो ये जो टर्म्स हैं इसकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ न्यूमिरेटर की, ये सारी जीरो हो जाएंगी, लेकिन 8 बच जाएगा, 0 प्लस 8 8 आता है, यानी देखें ऑप्शन ए सी और डी रिवर्स इंजीनियरिंग को भी देखें तो हमें पता चल रहा है कि ऑप्शन नहीं हो सकते, क्योंकि 8 इनमें कहीं भी नहीं, और फिर डिवाइजर में अगर आप मतलब डिनोमिनेटर में देखें तो ये टर्म सेकेंड और थर्ड ये भी जीरो हो जाएंगी, जबकि 5 जीरो में ऐड होकर 5 आ जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा जो है यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन होगा और हम इसे मार्क कर देंगे जो कि 8/5 है। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से कि अगर लिमिट x अप्रोच टू 0 हो इस फंक्शन के ऊपर जो कि e रेज टू द पावर -1/x² है डिवाइडेड बाय 1/e^(-1/x² है, तो इसका क्या आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई करने से पहले इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंपल बना लेते हैं ताकि इसकी लिमिट का आंसर हम जल्दी समझ सकें, ठीक है। इसकी सिंप्लीफिकेशन ये है कि जो e पावर -1 होती है ये बेसिकली 1/e के इक्वल होती है, यानी e का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। अब इस बात को बेस बनाते हुए हम यूं इसको लिख लेते हैं कि लिमिट x अप्रोच टू 0 तो लिख लेंगे हम, ठीक है, यहाँ पर 1 आ जाएगा और ये e रेज टू द पावर 1/x² ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है, जबकि हमारे पास यहाँ पर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको भी हम सॉल्व करेंगे 1 प्लस इसको भी 1/e^(1/x² लिख लेंगे, ठीक है। अब जब एलसीएम लेंगे यानी इस यहाँ पर इन दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम बनता है e^(1/x², ठीक है, हम इसको जब लिखेंगे यहाँ पे, चले मैं इसे लिख देता हूँ x रेज टू पावर 0 1/e^(1/x², ठीक है, यहाँ पर e^(1/x² जो है हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है। अब इस 1 को e^(1/x² कैसे बनाएंगे कि इसको 1/e^(1/x² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर इसके न्यूमिरेटर को भी e^(1/x² से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे तो ऑलरेडी e^(1/x² है इसलिए 1 एज इट इज आ जाएगा। अब ये दोनों नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेज हैं जो कैंसिल हो जाएंगे और अब हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, यानी 1 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट की लिमिट वही कॉन्स्टेंट आता है e^(1/x² के ऊपर, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/0 का स्क्वायर जो कि 1/0 ही बनता है, यानी 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा और कॉन्स्टेंट की लिमिट 1 ही आएगी। अब e^(1/0 का मतलब है कि एक बहुत लार्ज नंबर आ रहा है, यानी 1 को जब आप 0 से डिवाइड करते हैं तो हम कहते हैं ये अनडिफाइंड, यानी इसका आंसर बहुत लार्ज है, और e^ जब बहुत बड़ी ली जा रही है तो उसका आंसर भी बहुत बड़ा आएगा, यानी ये भी अनडिफाइंड में आएगा, तो हम इसे लिखेंगे 1/∞+1 जो कि 1/∞ के इक्वल है, और इसको हम कहते हैं कि ये
जीरो के बराबर है, तो इसलिए ऑप्शन ए जो होगा हमारा यहाँ पे वो इस क्वेश्चन के लिहाज से फिर वो बेस्ट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू जी हमारा, इसमें लिखा हुआ है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, ठीक है, और वन माइनस फोर एक्स रेस टू दी पावर होल, यानी इस पूरे दोनों टर्म्स की होल पावर वन बाई एक्स, ये किसके बराबर होगा? क्या ये ई के बराबर होगा, क्या ई पावर फोर के बराबर होगा, या ई पावर वन ओवर फोर के बराबर होगा, या फिर ई पावर माइनस फोर एक्स के बराबर होगा? ये बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन है। हम यहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग के मेथड को यूज करते हैं। हमें पता है कि ई जो है, ई किसके बराबर हो सकता है? अगर फर्ज करें हमारे पास यहाँ पे लिखा हो लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, ठीक है, और यहाँ पे वन प्लस एक्स लिखा हो और इसकी पावर उसका रेसिप्रोकल हो, तब ये ई के बराबर है, ठीक है। अब अगर चले फर्ज करें ऐसा नहीं लिखा हुआ, अगर कुछ ऐसा लिखा हो कि वन प्लस एक्स की जगह एक्स ओवर ए लिखा हो, ठीक है, तो फिर इसकी पावर ए ओवर एक्स होनी चाहिए, ए ओवर एक्स यानी उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होनी चाहिए, ठीक है, सॉरी ए ओवर एक्स मैंने लिखना था, फोर लिख दिया, तो ये फिर किसके बराबर होता है? आंसर ई के बराबर होता है, ठीक है। अब इधर तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन हम इसे इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, हम सोचते हैं इसके ऊपर कि ई ऑप्शन नहीं बना, ई पावर फोर नहीं बन रहा, ठीक है, लेकिन क्या इसमें और इन दो में से कौन सा ऑप्शन बन सकता है, यानी बी और डी में से कौन सा ऑप्शन बन सकता है, ठीक है, हम इस बात को जरा समझते हैं। देखें हम इसे लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, ठीक है, मैं इसे लिख सकता हूँ वन प्लस, मैंने इसे प्लस लिखा है और माइनस का साइन विद इन ब्रैकेट लिख दिया माइनस फोर एक्स, ठीक है, तो अब इधर इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए वन ओवर माइनस फोर एक्स, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे तो खाली वन ओवर एक्स लिखा है, माइनस फोर नहीं लिखा हुआ, ठीक है, इसका मतलब कि मुझे इस नंबर में, ठीक है, जो भी आंसर है, या इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, मुझे यहाँ पर खुद से, चूँकि अगर मैंने माइनस फोर इधर नहीं है तो माइनस फोर से फिर मुझे मल्टीप्लाई भी करना होगा, ठीक है, और मेरा ये एक्सप्रेशन जो है यहाँ तक जो है, ठीक है, यानी यहाँ तक जो है ये फिर e के बराबर हो जाएगा और इसकी पावर ये आ जाएगी माइनस फोर, तो मैं इसे इस रूल के हिसाब से कह सकता हूँ ये e और इसकी पावर माइनस फोर लिखा हुआ है, या इसे मैं लिख सकता हूँ रेसिप्रोकल ऑफ वन ओवर e पावर, यानी रेसिप्रोकल ऑफ e पावर फोर, या वन ओवर e पावर फोर लिख सकता हूँ, जो कि फिर ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है, और यही हमारा यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, एक बेस्ट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट यह है कि लिमिट अप्लाई हो रही है जी एक्स अप्रोच, लिमिट एक्स अप्रोच टू टू अप्लाई हो रही है एक हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर जो कि एक्स है, ठीक है। अब इसकी जो लिमिट ऑफ द फंक्शन है इन ऑप्शन में से क्या हो सकती है, क्या वन होगी, टू होगी, जीरो होगी, या एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और अगर राइट हैंड लिमिट बराबर हो तो हम कहते हैं कि जो लिमिट ऑफ द फंक्शन वो एग्जिस्ट करती है। सबसे पहले इसको हम चेक करते हैं। देखें अगर मैं मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूँ कि मैं टू को के लेफ्ट से अप्रोच करता हूँ, ठीक है, इस फंक्शन के लिए, तो इसकी जो वैल्यू आएगी मेरे पास, चूँकि जब मैं टू के लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, फर्ज करें यहाँ पर टू लिखा हुआ और मैं इधर से अप्रोच कर रहा हूँ, तो मेरे नंबर जो पुट करूँगा टू से लेस पुट करूँगा, यानी 1.99 फर्ज करें, ठीक है, और जब मैं 1.99 लिखूंगा, ठीक है, फर्ज करें 1.99, तो इसका आंसर 2 नहीं आएगा, इसका आंसर 1 आएगा, मींस के जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो इसके जो नियरेस्ट है वो 1 है, 2 नहीं है, क्योंकि हम इस नंबर से एक्सीड नहीं कर सकते, 1.99 से बड़ा आंसर नहीं लिख सकते, ठीक है। लेकिन जब मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूंगा, यानी जब मैं राइट साइड से 2 की तरफ अप्रोच कर रहा हूं इस साइड से, तो मैं 2.1 या 2.2 या 2.3 ऐसा का कोई नंबर लिखूंगा, ठीक है, तो उस पे जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑपरेट होगा, यानी 2.1 की मैं बात करता हूँ या 2.2, क्योंकि जैसे ऐसे 2 के नियरेस्ट हम जाते जाएंगे, तो मेरा आंसर 2 आएगा, ठीक है, मतलब इससे बड़ा नहीं आ सकता, 3 नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, 2 आएगा, जैसे यहाँ पर 1.99 के इसमें 1 आया था। तो देखें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं, इसका तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर करेंगे वो ये कहेंगे कि जो डी ऑप्शन हमारा कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये हमारा यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन होगा और हम इसको मार्क कर देंगे।